और दोस्तों कैसे हैं, मुझे उम्मीद है आप सब लोग बढ़िया होंगे। वीडियो थोड़े से दिनों के बाद आ रही है, उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहूँगा। लेकिन हाँ दोस्तों, मैं आपको चीज़ बता दूँ कि आप लोगों के लिए बहुत सारा सरप्राइज आने वाला है इस चैनल पर। जी हाँ फ्रेंड्स, आई एम नॉट रिवीलिंग राइट नाउ, बट इट विल बी रिवील वेरी सून। तो उसके लिए दोस्तों, इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, घंटी को प्रेस कर देना, क्योंकि बहुत सारा कुछ आपके लिए नया आने वाला है। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ ऐसे 6 स्मार्टफोन के बारे में जो कि 10,000 रुपये की प्राइस में आते हैं, और इस टाइम पर वो बहुत अच्छे स्मार्टफोन है। दोस्तों आपका भी बजट है 10,000 रुपये का और आप कन्फ्यूजन में है कि आपको कौन सा स्मार्टफोन लेना चाहिए, तो डेफिनेटली आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, आपका कन्फ्यूजन दूर होने वाला है। और हाँ दोस्तों, इस लिस्ट की खासियत यह है कि हमने इस लिस्ट में प्रत्येक कंपनी का एक एक फोन पिक किया है, तो जिससे क्या है कि आप किसी भी कंपनी के फैन हैं, डेफिनेटली आपको एक स्मार्टफोन पसंद आने वाला है। तो बिना टाइम गवाए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम चौहान एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे वासुक टेक चैनल पे। जी फ्रेंड्स, वीडियो में स्टार्ट करेंगे नीचे से ऊपर की तरफ। जी हाँ फ्रेंड्स, पहले मैं आपको बताऊंगा 6वें नंबर का स्मार्टफोन और लास्ट में आपको बताऊंगा पहले नंबर का स्मार्टफोन जो कि वन ऑफ द बेस्ट मेरा फेवरेट है। जी हाँ फ्रेंड्स, दोस्तों मेरी लिस्ट में 6वें नंबर पर स्मार्टफोन आता है, वो आता है Samsung Galaxy M30। जी हाँ फ्रेंड्स, इसमें आपको 6.4 इंच की सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। कैमरास की बात की जाए तो बैक में आपको ट्रिपल कैमरे देखने को मिल जाएंगे, 13 मेगापिक्सल का प्लस 5 मेगापिक्सल का प्लस 5 मेगापिक्सल का। वहीं दोस्तों इसका फ्रंट कैमरा 16 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाता है। और हाँ दोस्तों, यहाँ पे बात की जाए इसकी बैटरी की तो लार्ज बैटरी 5000 mAh के साथ आता है। और प्राइस दोस्तों, इसका बेस वेरियंट 3GB 32GB वाले की प्राइस है वो 9,499, मतलब 9,500 रुपये में आपको ये देखने को मिल जाएगा। और हाँ दोस्तों, मैं आपको चीज़ और बताना चाहूँगा कि स्टार्टिंग में ये स्मार्टफोन आया था तो 15,000 रुपये की प्राइस में आया था, अब घट करके इसकी प्राइस 9,500 रुपये रह गई है। तो डेफिनेटली दोस्तों, अगर आप सैमसंग लवर हैं तो ये सैमसंग का M30 आपके लिए अच्छा स्मार्टफोन हो सकता है। और दोस्तों, जो मेरी लिस्ट में 5वें नंबर पर स्मार्टफोन आता है, वो आता है Lenovo K10 Note। इसमें आपको 6.39 इंच की डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। कैमरास की बात करें दोस्तों, यहाँ पे भी आपको बैक में ट्रिपल कैमरे देखने को मिल जाएंगे, 16 मेगापिक्सल का प्लस 8 मेगापिक्सल का प्लस 5 मेगापिक्सल का। फ्रंट कैमरे की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे फ्रंट में आपको 16 मेगापिक्सल की सेल्फी भी देखने को मिल जाएगी। बैटरी की बात करिए तो 4050 mAh की बैटरी के साथ आएगा। और सबसे अच्छी बात है इसका प्रोसेसर, इसमें आपको क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 710 प्रोसेसर देखने को मिलेगा, जिससे आप अपने मोबाइल में पबजी आराम से खेल पाएंगे। प्राइस की बात करिए दोस्तों, तो 4GB 64GB वाले की इसकी प्राइस है वो 8,999, मतलब आपको 9,000 रुपये में ये स्मार्टफोन देखने को मिलेगा। तो डेफिनेटली आपके लिए Lenovo K10 Note अच्छा स्मार्टफोन हो सकता है। और हाँ दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, इसमें आपको बैक में फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा, और सैमसंग M30 में भी आपको बैक में फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है। और दोस्तों, जो मेरी लिस्ट में 4वें नंबर पर स्मार्टफोन आता है, वो बताने से पहले अगर आपको दोस्तों ये वीडियो अच्छी लग रही है तो हमें लाइक करके आप बता दीजिए। दोस्तों 4वें नंबर पे है, वो है 20। ये हाल ही में स्मार्टफोन लॉन्च किया गया था। इसमें आपको 6.53 इंच की लार्ज डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, और इसमें भी आपको दोस्तों बैक में ट्रिपल कैमरे देखने को मिल रहे हैं, 16 मेगापिक्सल का प्लस 8 मेगापिक्सल का प्लस 2 मेगापिक्सल का। फ्रंट कैमरे की बात की जाए दोस्तों, यहाँ पे आपको 16 मेगापिक्सल का ही फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाता है, 5000 mAh की लार्ज बैटरी के साथ आता है। और हाँ दोस्तों, प्रोसेसर की बात की जाए तो इसमें आपको क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 675 वाला चिपसेट आपको देखने को मिल जाता है, विच इज अ वेरी गुड प्रोसेसर। और दोस्तों प्राइस की बात की जाए तो 4GB 64GB वाले की जो प्राइस रखी गई है वो 10,999, मतलब आपको 10,000 रुपये में मिल जाता है, क्योंकि इस पर ऑफर चलते रहते हैं। तो आपके लिए Realme U20 एक अच्छा स्मार्टफोन हो सकता है। और हाँ दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, अगर आप यहाँ तक आ गए हैं, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को हिट करें। और हाँ दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, क्योंकि वीडियो लोगों तक नहीं पहुँच पाती है और वो लोग उल्टा सीधा मोबाइल लेकर के आ जाते हैं 10,000 रुपये की प्राइस में। तो इसीलिए इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें। और दोस्तों, जो मेरी लिस्ट में 3rd नंबर पर स्मार्टफोन आता है, वो आता है फिर से Realme की तरफ से, इसका नाम है Realme 5i। इसमें आपको 6.52 इंच की लार्ज डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, और इसमें दोस्तों बैक में 4 कैमरे का सेटअप आपको देखने को मिल रहा है, 12 मेगापिक्सल का प्लस 8 मेगापिक्सल का प्लस 2 मेगापिक्सल का प्लस 2 मेगापिक्सल का। फ्रंट कैमरे की बात की जाए तो फ्रंट में भी आपको यहाँ पे 8 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिल जाती है।
जाती है। ये भी दोस्तों 5000 mAh की लार्ज बैटरी के साथ आएगा और यहाँ पे आपको क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 675 वाला चिपसेट आपको देखने को मिल जाता है। और प्राइस की बात की जाए तो 4GB 64GB वाले की जो प्राइस रखी गई वो 8999 रुपये, मतलब 9000 रुपये में दोस्तों ये रियलमी का 5i डेफिनेटली आपके लिए एक अच्छा स्मार्टफोन हो सकता है अगर आपको बड़ी बैटरी और 4 कैमरे वाला स्मार्टफोन चाहिए। और हाँ दोस्तों, जितने भी मैंने आपको अभी तक स्मार्टफोन बताए और आगे भी बताने वाला हूँ, सभी में दोस्तों बैक में फिजिकल टच वाला फिंगरप्रिंट सेंसर आपको देखने को मिल जाता है। और दोस्तों अब मेरी लिस्ट में जो दूसरे नंबर पर स्मार्टफोन आता है वो आता है Xiaomi की तरफ से, इसका नाम है Redmi Note 8। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको पता है दोस्तों, चाहे हम 20,000 रुपये के नीचे की बात करें, चाहे 15,000 रुपये के नीचे की बात करें, चाहे वो 10,000 रुपये के नीचे की बात करें, ऐसा कोई भी सेगमेंट नहीं है जहां पे Redmi का स्मार्टफोन ना आए। इसीलिए दोस्तों यहां पे भी आपको Redmi Note 8 देखने को मिल रहा है। इसमें आपको 6.3 इंच की डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। कैमरास की बात की है दोस्तों, बैक में यहां पे आपको 4 कैमरे देखने को मिल जाएंगे, 48 मेगापिक्सल का प्लस 8 मेगापिक्सल का प्लस 2 मेगापिक्सल का प्लस 2 मेगापिक्सल का। फ्रंट कैमरे की दोस्तों बात की है तो यहां पे आपको 13 मेगापिक्सल की सेल्फी भी दोस्तों देखने को मिल जाती है। 4000 mAh की बैटरी के साथ आएगा। और प्रोसेसर की बात किया तो यहाँ पे आपको क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 665 चिपसेट आपको देखने को मिल जाता है। और हाँ दोस्तों, अगर इसकी प्राइस की बात करें तो 4GB 64GB वाला इसका बेस वेरिएंट है, उसकी प्राइस दोस्तों वो 10,200 या 10,300 रुपये में आपको ये देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों Redmi Note 8 आपके लिए एक अच्छा स्मार्टफोन हो सकता है अगर आपको क्वाड कैमरा वाला स्मार्टफोन चाहिए 10,000 रुपये के नीचे, वो भी 48 मेगापिक्सल के साथ, तो डेफिनेटली आप Redmi Note 8 को कंसिडर कर सकते हैं। और दोस्तों जो मेरी लिस्ट में नंबर 1 पे स्मार्टफोन आता है जिसका आप लोग वेट कर रहे हैं, अभी तक आप लोग एक्साइटेड और मैं भी दोस्तों एक्साइटेड हूं आपको बताने के लिए कि नंबर 1 पे कौन सा स्मार्टफोन आता है। दोस्तों वो आता है Realme की तरफ से, इसका नाम है Realme 5s। जी हां फ्रेंड्स, अगर दोस्तों बात की जाए 10,000 रुपये के नीचे स्मार्टफोन की तो Realme हमेशा अव्वल पर रहता है। जी हां फ्रेंड्स, दोस्तों मैं आपको बता दूं फटाफट से Realme 5s की स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो यहां पे आपको 6.5 इंच की डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। बैक में यहां पे आपको 4 कैमरे का सेटअप देखने को मिलेगा, 48 मेगापिक्सल का प्लस 8 मेगापिक्सल का प्लस 2 मेगापिक्सल का प्लस 2 मेगापिक्सल का। फ्रंट कैमरे की बात की जाए दोस्तों, यहां पे आपको 13 मेगापिक्सल की सेल्फी भी दोस्तों देखने को मिल जाती है। और प्रोसेसर की बात की जाए दोस्तों, तो यहां पे आपको क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 665 वाला चिपसेट आपको देखने को मिल जाता है। बैटरी दोस्तों यहां पे आपको 5000 mAh की लार्ज बैटरी दी गई है। प्राइस की बात करें दोस्तों, तो यहां पे इसकी प्राइस 4GB 64GB वाले की रखी गई है, वो 9999 रुपये, मतलब 10,000 रुपये में आपको ये स्मार्टफोन देखने को मिलता है। वैसे दोस्तों आप ये सोच रहे होंगे Redmi Note 8 जैसी सारी की सारी इसमें स्पेसिफिकेशन दी गई है, जी हां फ्रेंड्स, लेकिन यहां पे दोस्तों बैटरी थोड़ी सी बड़ी दी गई है। यहां पे आपको 5000 mAh की देखने को मिल जाती है और Redmi Note 8 में आपको 4000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है। इसीलिए दोस्तों ये मेरी लिस्ट में नंबर 1 पे आता है। दोस्तों अगर आप 10,000 रुपये की प्राइस में कोई स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं तो दोस्तों मैं आपको Realme 5s रिकमेंड कर सकता हूं। और हां दोस्तों, जितने भी मैंने आपको स्मार्टफोन बताए हैं सभी के लिंक मैंने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहां से भी जाकर के चेकआउट कर सकते हैं और वहां से जाकर के परचेज कर सकते हैं। चलो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मुझे उम्मीद आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों, और यहां तक आ गए अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को हिट कर देना। और हां दोस्तों, मैं आपको एक चीज और कहना चाहूंगा अगेन कि आपने अभी तक इस वीडियो को शेयर नहीं किया तो शेयर जरूर से कर देना, क्योंकि कुछ लोग हैं उनकी मदद हो जाएगी, तो प्लीज शेयर कर देना इस वीडियो को। और हां दोस्तों, जाते जाते मैं आपको एक चीज और कहना चाहूंगा कि इस चैनल पर मेरी फर्स्ट अनबॉक्सिंग वीडियो आने वाली है, और वो वीडियो इन मैंने जितने भी आपको स्मार्टफोन बताया इसमें से एक स्मार्टफोन की है। दोस्तों मैं देखना चाहूंगा कि आप कितने लोग गैस कर सकते हैं कि कौन सी अनबॉक्सिंग वीडियो मैं आपके लिए लेकर के आने वाला हूं, वो भी इन स्मार्टफोन में से ही। तो कमेंट में हमें अपनी राय जरूर से बताना और वेट करना दोस्तों उस वीडियो का। चलो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलूंगा आपको नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।